जैनों के तीन बड़े तीर्थ शत्रुंजय, गिरनार, आबू, इन तीन तीर्थों को आज हम एकदम सरलता से स्पर्श कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, दर्शन, पूजा, भक्ति, यात्रा कर पा रहे हैं। लेकिन इन एक एक तीर्थों के लिए जो भोग हमारे पूर्वजों ने दिया है वह अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। ऐसे अनेक महात्मा और श्रावकों का बलिदान इन तीर्थों के पीछे रहा हुआ है। आज ऐसे ही एक श्रावक की कि जिनके वंशज आज तक जिन शासन की अविरत सेवा कर रहे हैं, ऐसे सेठ शांतिदास के विषय में आज हम जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो आनंद जी कल्याण जी पेड़ी है उनका प्रमुख पद इन्हीं के वंशजों को दिया जाता है। आइए शांतिदास सेठ शांतिदास कैसे बने उसी विषय को जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। सेठ सहस्र किरण और सेठानी सौभाग्यदे के छोटे पुत्र सेठ शांतिदास बहुत तीव्र बुद्धिशाली और पुण्यशाली थे। उनका व्यापार जेवरातों का था, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। इस बाजू तपागज के 53वें पाठ पर भट्टारक श्री लक्ष्मी सागर सूरी जी के शिष्य महोपाध्याय विद्यासागर गणी जी के परंपरा में महोपाध्याय धर्म सागर गणी जी के शिष्य उपाध्याय लब्धि सागर गणी हुए। उनके दो शिष्य थे, पहले मुनि श्री नेम सागर जी, दूसरे मुनि श्री मुक्ति सागर जी। गृहस्थ पने में वे दोनों सगे भाई थे और साधु जीवन में तो गुरु भाई थे ही। दोनों विद्वान, बुद्धिमान और बहुत बड़े डिबेटर्स भी थे और इसी कारण से ही आचार्य श्री विजय सेन सुरेश्वर जी महाराजा के हाथों से संवत 1655 में पन्यास बने। दोनों बाल ब्रह्मचारी थे। सबसे विशेष बात ये थी कि पन्यास मुक्ति सागर गणी जी को पद्मावती देवी के इष्ट थे, यानी पद्मावती देवी उनको दर्शन देती थी, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती। एक बार ये दोनों पन्यास जी सूरत में चातुर्मास के लिए विराजमान थे। वहां सूरत में शांतिदास नामक एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, इसीलिए एक दिन दुखी होकर सेठ ने दोनों पन्यास भगवंतों के पास आकर वंदन करके बहुत विनंती की, अर्जी की कि गुरुदेव आपकी कृपा से इस सेवक के पास बहुत सा धन है, किंतु ऐसा कोई अंतराय कर्मा रहा है जिसके कारण से हमारे पीछे उस धन को वापरने वाला, दान पुण्य करने वाला कोई जीव नहीं है, यानी हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है। गुरुदेव ये अंतराय कर्म टूटे और श्रावक का घर आबाद हो, ऐसा कोई उपाय बताएं। दोनों पन्यास जी ने सूरत के सेठ शांतिदास की बात सुनी। उन्होंने शांतिदास सेठ को सांत्वना दी और मंत्र विधि की कुछ बातें उनको बताई। उन्होंने कहा, हमारी जाप विधि 6 महीने चलेगी और उसके बराबर दूसरे दिन आपको उधर हाजिर रहना है। उसके पश्चात दोनों पन्यास जी संवत 1660 के चैत्र महीने में उपाश्रय के नीचे के भूतल में, यानी अंडरग्राउंड में बैठकर सर्व कार्य साधक श्री चिंतामणि मंत्र का जाप शुरू किया। इस मंत्र का नियम ऐसा था कि ये मंत्र निरंतर बाकुलों के साथ और आरती वगैरह विधि के साथ जाप करने से 6 महीने में सिद्ध होता है। जाप की समाप्ति के समय धर्णेन्द्र नाग के रूप में आकर सामने खड़ा रहता है और यदि साधक निडर बना रहे और धर्मेंद्र की जीभ से खुद की जीभ मिलाए तब धर्मेंद्र प्रत्यक्ष होकर श्रावक को वरदान देता है। पन्यास भगवंतों ने 6 महीने विधि पूर्वक जाप किए, 6 महीने पूरे हुए। यह एक विचित्र घटना घटी। दूसरे दिन सुबह सेठ शांतिदास नहीं आए, तब योगानुयोग हमारे इस कथा के मुख्य पात्र का प्रवेश होता है। हुआ ऐसा कि अहमदाबाद के सेठ यानी कि सहस्र किरण के पुत्र शांतिदास जवेरी व्यापार के लिए सूरत आए और उसी दिन उसी अवसर पर उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में जिनालय में दर्शन करके दोनों पन्यास जी को वंदन करने के लिए आए। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक बार सरलता से समझते हैं। सूरत के शांतिदास सेठ वो जिनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें 6 महीनों के बाद अगले दिन आने के लिए कहा गया था, वो नहीं आए थे। और उसी समय मुख्य पात्र अहमदाबाद के शांतिदास सेठ जिनका परिचय शुरुआत में हमने देखा, सेठ सहस्र किरण और सेठानी सौभाग्य दे के छोटे पुत्र सेठ शांतिदास, वो अहमदाबाद से सूरत आए थे। भाग्य कब, किसको, कैसे, किस रूप में पर्चा देता है, फल देता है, उसका अनुमान करना बहुत मुश्किल है। आज का भिखारी कल का भोज राजा भी बन सकता है। नियति का ये अनोखा खेल अब शुरू होता है। देखिए, नाम समान होने के कारण से पन्यास मुक्ति सागर गणी जी समझे कि ये तो सूरत के ही शांतिदास सेठ आए हैं, इसीलिए शांतिदास जवेरी को जो अहमदाबाद से आए थे उनको भूतल में ले जाकर खुद के सामने एक आसन पर बिठाकर उनको कहा, शांतिदास डरना मत, हिम्मत रखना, धर्णेन्द्र नाग के रूप में आकर आपके शरीर पर चढ़ेगा, माथे के ऊपर से आगे उतरेगा और जब उसकी जीभ लपकारा मारती होगी तब तुम उस नागराज के साथ अपनी जीभ स्पर्श करना, इसीलिए धर्णेन्द्र प्रसन्न होकर वरदान देगा,
परिणाम से राज्य मिलेगा। राज्य का मान, धन, यश और पुत्र परिवार आदि वृद्धि होगी। अहमदाबाद के शांतिदास झवेरी ने कुछ समझे बगैर चुपचाप गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। भोरे में जाकर गुरुदेव की कृपा समझकर आसन पर बैठ गए। पन्यास भगवंतों ने जाप शुरू किया। धर्णेन्द्र नाग के रूप में आकर शरीर के ऊपर चढ़ा, जीभ के लपकारे मारने शुरू किए, परंतु शांतिदास सेठ डर के मारे खुद की जीभ बाहर नहीं निकाल पाए। धर्णेन्द्र तुरंत नीचे उतरकर अदृश्य हो गए। पन्यास मुक्ति सागर गणी जी ने कहा कि शांतिदास, तूने जीभ क्यों नहीं निकाली? नाग के साथ जीभ मिलानी थी तो आप राजा बनते, पर मैं समझ गया हूँ कि आप डर गए थे। फिर भी आप राजा नहीं तो राजमान्य बनोगे। श्रेष्ठी शांतिदास झवेरी खुश होते हुए सूरत से अहमदाबाद चले गए और वहां से संवत 1661 में आगरा गए। बादशाह अकबर ने आगरा में खुद के राज दरबार में सभी झवेरियों को बुलाया था। शांतिदास झवेरी भी सभी झवेरियों के साथ राज दरबार में गए। वहां सच्चे मोती की परीक्षा और उसकी कीमत की परीक्षा में वे उत्तीर्ण हो गए और बहुत बड़ा नाम प्राप्त किया। उनको मुगल दरबार में बहुत बड़ा मान सम्मान मिला और बादशाह अकबर ने भी उनको शाही झवेरी की पदवी से नवाजा। बादशाह अकबर के मरण के पश्चात बड़े पुत्र जहांगीर हिंदुस्तान के बादशाह बने। जहांगीर ने अहमदाबाद से शांतिदास झवेरी को बुलाया और उनको मामा कहकर बहुत मान सम्मान दिया। इसका कारण ये था कि एक बार बादशाह अकबर की कोई बेगम एक कारण से अहमदाबाद आई हुई थी। शांतिदास झवेरी ने उसकी बहुत खातिरदारी की और वह बेगम ने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म भाई माना था। उसके बाद झवेरी शांतिदास को अहमदाबाद की नगर सेठ की पदवी दी गई और गुजरात के सूबे का होद्दा दिया गया, यानी कि एक पोजीशन दी गई। हमारी ये बात तो हो गई शांतिदास झवेरी के पुण्य की बात। उन्होंने शासन के लिए बहुत जबरदस्त कार्य किया था। एक वक्त के मूर्ति भंजक औरंगजेब ने भी इन्हें मान सम्मान देकर नवाजा था। जिसके पास से मंदिरों को बचाना मुश्किल था, उसी औरंगजेब के पास से आज के शत्रुंजय गिरनार और आबू पर्वत का फरमान इन्होंने लिखवाया था। सभी मुगल बादशाहों ने सेठ शांतिदास को शत्रुंजय पालीतना इनाम में दिए थे। गिरनार और आबू तीर्थ भी इनाम में दिए थे। बादशाह औरंगजेब ने तारीख 12 मार्च 1660 इसके दिन इस फरमान में बताया है कि सहस भाई के पुत्र और श्रावक ज्ञाति के अग्रणी श्री शांतिदास झवेरी खास मान और आशा के साथ मांग रहे हैं कि शत्रुंजय के तौर पर प्रख्यात पालीतना पर्वत उन्हें दिया जाए और मैं श्रावक ज्ञाति के श्री शांतिदास झवेरी को पालीतना पर्वत दे रहा हूँ। वहाँ उगता हुआ घास का उपयोग भी वे कर सकते हैं और पर्वत पर जो इमारत बनने के लिए लकड़ा है उसका भी उपयोग इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इसी तरह गिरनार नाम के प्रसिद्ध जूनागढ़ का पर्वत और सिरोही तालुका के तांबे में रहा हुआ सिरोही मुल्क के अंदर रहा हुआ आबू पर्वत, ये दोनों पर्वत भी शांतिदास झवेरी जी को संतोष हो इसीलिए मान के रूप में दे रहे हैं। कोई भी राजा इस बात में दखल ना करे और किसी को भी घुसने भी ना दे। और हमारा ये फरमान है कि शांतिदास सेठ को हमेशा मदद करे तो वह कार्य शाही आनंद लाने वाला बनेगा। उनके पास हर साल किसी भी तरह के पत्र यानी लेटर की मांगनी नहीं करनी है और ये तीनों पर्वत कि जो इन्हें दिए गए हैं उसके संबंधी यदि कोई भी दावा करेगा तो वह व्यक्ति प्रजा और ईश्वर दोनों के उपालम्ब और श्राप का पात्र बनेगा। ऐसा फरमान औरंगजेब जैसे मूर्ति भंजक बादशाह ने उनके नाम पर जारी किया था, तब जाकर ये तीर्थ सुरक्षित रहे। आज भी यदि आपको ये फरमान देखना हो तो उसके असल रूप में सेठ आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के पास और दूसरे कई स्थलों पर वह सुरक्षित है। इस तरह से आज के आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के पूर्वजों में हुए हुए सेठ शांतिदास की तीर्थ रक्षा की एक अनोखी घटना हमने देखी। ऐसा नहीं है कि हमें हर बार तीर्थ रक्षा के लिए युद्ध ही करना पड़े, क्योंकि कई बार कार्य प्रेम से ही निपटाए जाते हैं। कई बार प्रेम से कार्य पूर्ण करने की संभावना ज्यादा होती है और हो सकता है कि कई बार सिर्फ प्रेम से ही कार्य करने की संभावना बची हो, ये स्थिति भी हो सकती है। ये सब चीजें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव अनुसार तय किए जाते हैं। यदि आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के प्रमुख शांतिदास सेठ ने उस समय जोश जोश में होश खोकर किसी और तरीके से तीर्थ को बचाने का प्रयास किया होता तो परिणाम क्या होता, वह सोचने जैसा विषय है। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।